मिड लाइन आकलन 2021-22 का यह प्रायोजना कार्य कक्षा 4 का है। एक सप्ताह का समय इसको करने के लिए दिया जाएगा, इसी दिसंबर में होना है। मैं आपको हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित सभी के प्रश्नों को जो प्रायोजना कार्य में दिया हुआ है कक्षा 4 के, आपको बताऊंगा और मार्गदर्शन भी करूंगा। तो सबसे पहले आप जिस भी विषय का लिखना शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले आपको ये हेडिंग लिख लेना है, मिडलाइन आकलन 2021-22 प्रायोजना कार्य कक्षा 4। फिर आपको अपना नाम लिखना है, जिस विषय का प्रायोजना कर रहे हैं उस विषय का नाम लिखना है और अपने विद्यालय का नाम लिखना है। सभी विषयों में सबसे पहले हिंदी विषय लेते हैं। ये प्रायोजना जितने भी, इनको ध्यान देना है कि इसमें 3-4 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से कोई 2 प्रश्न करना है। हर प्रश्न 5 अंक का है और 2 प्रश्न करने से कुल 10 अंक हमको मिलना है। और यह समूह में भी हो सकता है, आपको ग्रुप में भी करने को दिया जा सकता है और अकेले भी करने को दिया जा सकता है, और आपको आवश्यकता अनुसार आपके टीचर मार्गदर्शन देंगे, इसीलिए मैं यह वीडियो भी बनाया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम हिंदी विषय के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न एक है, कोई 5 चित्र बनाकर उनके नाम लिखो। आप अपने पसंद के कोई भी 5 चित्रों को बनाएंगे अपनी कॉपी में और उनका नाम लिखेंगे। वो कोई फल भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, उनका चित्र बना के आपको नाम लिखना है। प्रश्न दो है, छत्तीसगढ़ बोली की कोई 5 लोकोक्तियां यानी हाना को खोजो और उनके अर्थ लिखकर एक चार्ट बनाकर कक्षा में सजाओ। तो आपको 5 लोकोक्तियां ढूंढना है हाना, आपको अपने टीचर से मार्गदर्शन मिल सकता है, अपने घर में मार्गदर्शन, हाना को लिखना है और उनके अर्थों को लिखना है। ये चार्ट जैसे एक बड़े पेज में बना के बड़ा बड़ा लिख के सुंदर सा और अपने स्कूल में सजा देना है। यदि प्रश्न 3 दिया गया है, फूलों के पंखुड़ियों के बीच दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखो। तो इस तरह ये बना हुआ है, इनके पर्यायवाची लिखना है। जैसे सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य का आपको पर्यायवाची लिखना है। जैसे दिनकर, इसी तरह 3 और होते हैं, उनका भी नाम लिखना है। फूल है, फूल को हम पुष्प भी बोलते हैं, और भी 3 इसी तरह आपको ढूंढ के यहां पर लिखना है। अगला ये नदी है, नदी का भी आपको 4 पर्यायवाची और लिखना है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूं, सरिता। इसी तरह नदी को और नामों से जाना जाता है, उसको भी लिखना है। पृथ्वी है, पृथ्वी में भी 4 नामों को लिखना है, जैसे भू। उसी तरह और भी जो नामों से जाना जाता है उनको लिखना है। जल का लिखना है, जल को हम पानी भी बोलते हैं, और भी जिन नामों से जानते हैं उनको लिखना है। हिंदी विषय के बाद हम देखते हैं इंग्लिश को। सब कुछ उसी तरह है, प्रश्न यहाँ पर कुल 3 दिए हुए हैं। इन 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न आपको ग्रुप में अकेले करने को दिया जाएगा, इसको पूरा कर लेंगे तो आपको एक प्रश्न पे 5 अंक मिलेगा, और 2 प्रश्न करने को दिया गया मतलब आप 10 अंक प्राप्त कर लेंगे। पहला प्रश्न है, राइट 20 एक्शन वर्ड्स आर वर्ड्स विथ देयर हिंदी मीनिंग्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, यूज दिस वर्ब इन योर ओन सेंटेंस। अपनी अंग्रेजी की पाठ पुस्तक से 20 क्रिया शब्द निकालिए, प्रत्येक क्रिया शब्द का उपयोग कर एक वाक्य बनाइए। जैसे आपने क्रिया शब्द निकाला रन, तो इसका बना सकते हैं आई एम रनिंग। ऐसे आपको 20 शब्द निकालना है और उससे एक एक सेंटेंस बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 20 सच वर्ड विच आर ऑलवेज स्पोकन इन इंग्लिश इन योर कम्युनिटी, शेयर इट विथ योर क्लास। आपको ऐसे 20 शब्द ढूंढना है जिसको हमारे आपके समुदाय यानी समाज में अंग्रेजी में ही बोला जाता है। जैसे बस, बस बोलते हैं, बस का हिंदी तो हम नहीं बोलते। ऐसे ही मोटरसाइकिल, ऐसे 20 शब्द निकालना है। घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी है जिसको अंग्रेजी में ही बोला जाता है, उनको आपको ढूंढ के 20 नामों को यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन 3 है, ड्राई पिक्चर ऑफ योर फैमिली एंड राइट 3 लाइंस अबाउट ईच फैमिली मेंबर्स। अपने परिवार का चित्र बनाइए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के बारे में 3-3 पंक्तियां लिखें। आपके परिवार में जो लोग हैं उनका चित्र बना लीजिए और उनके बारे में जो भी आपको लिखना होगा 3-3 लाइन में उनके बारे में आपको बताना है। अगला विषय आपका है पर्यावरण। इसमें भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं, सभी प्रश्न 5-5 अंक के हैं। कोई भी 2 प्रश्न आपको करने के दिए जाएंगे उनको। प्रश्न एक है, पत्तियों का संग्रह करके स्क्रैप बुक बनवाना। स्क्रैप बुक क्या होता है, जिसमें बहुत सारी चीजों को हम संग्रह करके चिपकाते हैं। दिशा निर्देश दिया हुआ है, कक्षा की संख्या के आधार पर शिक्षक बच्चों को समूह या एकल में विभाजित करके विभिन्न पत्तियों का संग्रह करवाकर अपने सुविधा अनुसार चार्ट पेपर या स्क्रैप बुक पर चिपकाएं। तो प्रश्न 2 है, कागज के खिलौने बनाना। बच्चों का समूह बनाकर कागज देवें एवं उनसे खिलौना बनवाएं। तो आपको स्कूल में कागज दिया जाएगा और उससे जैसे नाव है, कमल का फूल है, मेंढक है, पवन चक्की है, जहाज आप लोग बनाते हैं,
इन सब चीजों को बनाने के लिए बोला जा सकता है। और तीसरा है मौसम के चित्रों का कोलाज बनवाना, सर्दी गर्मी और बरसात में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के चित्रों के एकत्रित करके चार्ट पेपर में मौसम अनुसार चिपकावे। तो अगला विषय है आपका गणित। गणित में कुल चार प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है इबारती सवाल बनाओ, तो मतलब आपको सवाल बनाना है। जैसे उत्तर है 25, तो प्रश्न आपको को बनाना है जैसे 5 को 5 से गुणा करने पर गुणनफल कितना होगा। उत्तर है 23, अब उत्तर है 23 तो आप इस तरह बना सकते हैं कि कह सकते हैं 30 में 7 घटाने पर कितना होगा, ये आपका प्रश्न। इसी तरह 1765 और 72 के लिए भी आपको प्रश्न बनाना होगा। प्रश्न दो है अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य से किसान न्याय योजना से किसान को प्रति एकड़ मिलने वाली राशि का पता कीजिए। यदि किसी किसान के पास 7 एकड़ खेत हो तो उस किसान को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो किसान न्याय योजना के तहत 1 एकड़ में कितना राशि मिलता है उस राशि को आपको यहाँ पर लिखना है। और 7 एकड़ खेत है तो जो राशि जो रुपया बताएंगे उसमें 7 से गुणा कर देंगे तो आपको ये वाला उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। प्रश्न तीन है यदि 1 किलो आलू की कीमत 17 रूपए हो तो बताइए 370 रूपए में अधिकतम कितने किलो आलू खरीद सकते हैं तथा कितने रूपए शेष बचेंगे। यह अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को बताइए, उनके जवाब से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। इसमें क्या करना होगा कि 370 रूपए में अगर आलू की कीमत 17 रूपए है और 370 रूपए है, 370 रूपए में कितना होगा, तो 370 में आपको भाग दे देना है 17 से। जितना आएगा उतने किलो आपको आलू मिल जाएंगे और जो शेष में बचेगा नीचे जो बचता है उतना रुपया शेष बच जाएगा आपके पास। इसको आप भी लगा लो और अपने घर के बड़े सदस्यों से भी इसको पूछो और उत्तर का मिलान करना है। प्रश्न चार है एक वर्गाकार कागज लीजिए, उस कागज को 20 से इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग एक दूसरे को परस्पर ढक ले। अब मोड़ को खोलिए, बताइए मोड़ से दोनों भाग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इस रेखा का नाम क्या है, कागज में ऐसी और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। वर्गाकार कागज का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। फिर इसको मोड़ देंगे बीच से मोड़ देंगे तो आपस में ढक जाएंगे। इसी तरह करके इस प्रश्न का उत्तर भी आप बना सकते हैं। इस तरह आपके चारों सब्जेक्ट के प्रश्न हैं जिसको आपके शिक्षक आपको देंगे। आपको एक सप्ताह के भीतर का जो समय दिया गया रहेगा और शिक्षकों के मार्गदर्शन पूर्ण करना है और बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।